जिंदगी में तुम पहली बार बहुत अच्छे लग रहे हो आज, मुझे सच बता रहा हूँ, आज बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, बहुत अच्छे। अगर तुम जिंदगी और ऐसे ही बने रहो तो क्या चला जाएगा तुम्हारा, मैं सच बता रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत लकी समझूंगा इस दुनिया का इंसान, ऐसे ही रहो तुम हमेशा। नहीं, पानी पियो, खाना खाओ, लेकिन बोलो मत, ठीक है? पक्का देखते हैं कल, कल इतना मचल आने बच्चा, इतना मचल आने, आज आज की कसर पूरी कल करना है इनकी। देखिए भाई साहब, कार धुल रही है अपनी, मैं बढ़िया यहाँ आराम से कुर्सी पे बैठा हूँ कूलर के सामने, और तब तक अपनी कार धुल जाती है तो कार धुल जाएगी, क्योंकि कार ना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और मुझे टाइम मिल नहीं पाता है कार धोने के लिए, तो इसलिए मैं यहीं पे पास में आसारी में धुलवाने के लिए आ जाता हूँ। बढ़िया धो देते हैं भैया बाहर से भी और अंदर से भी। कार अपनी धुल चुकी है और अंदर से भी देखो कितनी साफ हो गई, बढ़िया हो गई है, तो साफ सुथरी कार चलाने में भी मज़ा आता है। ये देखो बढ़िया चमक चुकी है कार। तो गाइज मुझे यहाँ से लेनी थी बेलपत्री, क्योंकि साधना का आज व्रत है, तो देखो मैंने ले ली है बेलपत्री, फूल भी ले लिए। और रणवीर भाई क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं, दूसरे क्रिकेटर बनने की नहीं, दूसरे कोहली बनने की चाहत। दूसरे कोहली बनने की चाहत है? बन जा भाई, बन जा। वैसे वो तो विराट कोहली है, तू रणवीर यादव है, यादव से कोहली बनने की चाहत है? अरे तो जैसे आधार कार्ड में नाम चेंज हो जाता वैसे ही नाम चेंज हो जाएगा है? उसके हिसाब से क्रिकेट खेलना सोचना, उस जैसा क्रिकेट खेलेगा तो लोग कहेंगे हाँ ये आ गया दूसरा विराट कोहली, प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, हे साधना ले बेलपत्री ले, 40 से ज्यादा ही है और चेक करवा के लेकर आया हूँ। सुनो थैंक यू बोलो, अब मुझे बोलो थैंक यू, लिख के बोल दो थैंक यू, आपको भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। ओके थैंक यू। वो और भी रखे का बेलपत्री, वो और भी रखे का या था, वो और भी रखे था बेलपत्री, हम तो मंदिर से उठा के लाए सारी, हमें क्या पता था कि मिल जाएगी कल रात में, लौटे नहीं तो तोड़ लेते। तेरा लेवल नहीं मेरे हर वर्गा, मेरे अनुसूले होते तंगी रात दे मेरे मक्खी रात की तलवार वर्गा। कार मैंने यहाँ पे पार्क कर दी है और अभी मैं आया हूँ रानी लक्ष्मी पार्क वॉक करने के लिए, ऐसे घूमने फिरने के लिए। साधना तो आई नहीं साथ में क्योंकि साधना का आज व्रत था। ये देखो पता नहीं क्या बन रहा है यहाँ पे खाना पीना। भाई ज़्यादातर मुझे टाइम तो नहीं मिल पाता है पार्क में आने के लिए, बट मैं अभी कभी कभी मैं आ जाता हूँ वॉक करने के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगता है पार्क में आकर। देखो कैसे सब लोग आते हैं बैठते हैं। और छोटू तुम लोग कहाँ से आए हो? घर से सही है गेट से। वीडियो क्यों बना? अंकल नहीं हूँ मैं, भैया हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ, ब्लॉगर तुम लोगों को ब्लॉग में ले रहा हूँ। मेरे अभी यादव ब्लॉग्स, अभी यादव ब्लॉग चैनल पे कल वीडियो, कल नहीं परसों आएगी आप लोगों की वीडियो। देखो तुम फिर से अंकल बोल रहे, हम अंकल लगते तुम्हें? इंस्टाग्राम नहीं यूट्यूब पर है अभी, अभी यादव ब्लॉग्स, अभी यादव ब्लॉग्स। मैं यहीं के झांसी गई हूँ, आप सर्च करना अभी यादव ब्लॉग्स, आप सर्च करना अभी यादव ब्लॉग्स, मेरा चैनल मिलेगा और आप देख जाओगे मेरे चैनल पे। तो आप बताओ ना पार्क किस लिए आते हो, तुम तो बोल रहे हो घर से घूमने आते हो। हाँ, भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भैया इसको मारने का प्लान बना रहे थोड़ा, अभी तो मेरे पैर में दर्द हो रहा है इसलिए मैं दौड़ता। अच्छा चलो चलो बढ़िया है। ये देखो भैया आ रहे हैं, हमारे जी भैया मिल गए हमें, आनंद भैया, बड़े दिनन बाद मिले आज पार्क में, पता नहीं कहाँ से आ गए भूले भटके। और कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। चलो तो भैया आ रहे हैं, हम इनके साथ बैठ रहे हैं, बहुत बिलात दिनन बाद मिले जी हमें, तो थोड़ी बहुत हम बातचीत कर रहे थे इनसे। एक और हमारा पुराना फ्रेंड हमें मिल गया। और भाई हेलो, कैसे हो भाई?
अरे मुआ से ये तो बता दो कैसे हो, तुम ये बता दो कैसे हो। क्या अभी तो ये भाई साहब है और इनकी उम्र देख लो, अभी इनकी उम्र उम्र कितने के भाई साहब की उम्र कितने का उम्र उम्र होगा 51 51 हो गई। हाथ पांव सही है तो ही हाथ पांव सही है तुम आपके हाथ पर बिल्कुल बिल्कुल बायोडाटा पूरा लो आप बिल्कुल सही है। आप हाथ पांव बताओ आपके सही है करते क्या तो फिर आप ये ऐसे क्यों पैसे मांगते हो, कहीं काम वाम कर लो। इसका काम ऐसे हुआ है मालिक है हम आपको बताएंगे। हाँ पूरा बायोडाटा लो आप बिल्कुल बायोडाटा नहीं आप तो ये बताओ आप काम क्यों नहीं करते कुछ काम बता रहे हैं हम आपको। हाँ है कि नहीं नाव को काम नाव करता। अरे यार ये बात नहीं देखो बात नहीं बिल्कुल सुनी लो ना पहले बता। हाँ बोलो 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 वो तो जब समझ में आएगी सबको समझ में आएगी। बोलो 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 नाव को काम नाव करता है जोशी का काम जोशी करता है। आप कौन हो? जोशी है मालिक। जोशी हो तो आप कहीं भी प्राइवेट फैक्ट्री में या कहीं पे भी जॉब कर सकते हो आप। मालिक एक बार बताना सबसे पहले मालूम क्या है खानदान के अंदर सबसे पहले काम जो होता है वो अपना कर्म का होता है फिर उसके बाद में सारे काम होते हैं। तो आपको हमसे क्या चाहिए पैसे चाहिए आपसे बस केवल ये कि मतलब चाहे मालिक जो आपसे बोली है तो आपने पूरा बायोडाटा लिया मालिक। नहीं नहीं अगर हम आपको जॉब दिलवा दे कहीं पे तो करोगे मालिक? जॉब नहीं हाँ केवल हमारा जो काम है। हाँ क्या काम है? जोशी का काम है वो जोशी का काम है। नहीं है ये गलत है ऐसा कुछ नहीं है कि जोशी हो तो जोशी का ही काम करोगे। आज के समय हर कोई हर तरीके का काम कर रहा है ये भाई कुछ भी कर रहा हो ये भाई कुछ और काम कर रहा है। हाँ एक बात और भी है। हाँ यादवों का काम क्या है एक बात बताओ यादवों का काम क्या है आप बताओ। हमारी बात सुनो आप तो मुँह से ये बताओ यादवों काम है गाय भैंस का काम। मैं क्या मैं पता क्या काम करता हूँ मैं यूट्यूब पर वीडियो बना। अरे आप हमारी तो पंडितों का काम क्या है? पंडितों का काम क्या है आजकल पंडित सब काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं पंडित का काम है यदि मालूम क्या पुजारी को उठा के कुछ भी नहीं नहीं ये गलत आनंद भाई ये गलत है कि नहीं है कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे नहीं नहीं काम किसी का कुछ भी नहीं होता है। तुम ये जो कर रहे हो हमें इतना भी पता है तुम दारू पिए हो अभी। हाँ ठीक है दारू पिए ना दारू पिए हो और ये लेकिन तुमको ये शोभा नहीं देता है ऐसे पब्लिक प्लेस में ऐसे पैसे मांगना दारू पी। ये तुम पैसे सिर्फ दारू के लिए मांग रहे और किसी चीज के लिए नहीं इसी चीज के लाना नहीं बताऊंगा। ये देखो गाइस बिल्कुल हाथ पैर बढ़िया है सब कुछ बढ़िया है और बात भी ऐसी कर रहे हैं कह रहे हैं कि जोशी जोशी का काम करेगा पंडित पंडित काम करेगा यादव गाय भैंसों का काम करें। ये मतलब बात भी किस तरीके से कर रहे हैं बताओ गाय। ये ऐसे लोग क्या है ये ऐसे लोग ही हमारे इंडिया का नाम बदनाम कर रहे हैं और इनका कुछ नहीं हो सकता है। इनको केवल एक ही आदत पड़ गई है कि दूसरों के सामने हाथ फैलाने की। भाई हम मेहनत कुछ नहीं करेंगे केवल दूसरों के सामने हाथ फैला सकते हैं। बस पैसा चाहिए बस हमें आसानी से पैसा मिल जाए बस। अभी हम आपको जॉब दिलवा रहे करोगे करोगे जॉब दिलवा रहे हैं जॉब करवा लेंगे आप हमें जॉब दिलवा दो हम कर लेंगे बस है कि नहीं। हाँ, करोगे उसके बाद जितने भी आदमी सबको जॉब दिला देंगे आप सबको जॉब कर। मैं तो सिर्फ आपको दिलाऊंगा आप मेरे सामने आए मैं सबसे मुझे क्या मतलब आप मेरे सामने आए मैं आपको जॉब दिलवा रहा हूँ। हाँ चलो मैं कार से आया हूँ कोई भी दिलवाऊँ काम दिलवाऊंगा अब आप इससे तो बेहतर है आप किसी के सामने हाथ फैला रहे हो इससे तो बेहतर है मैं आपको जॉब दिलाऊंगा आप खुद का करोगे खाओगे। जैसे देखो ये भैया हैं किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे अपना कुछ भी कर रहे हैं ये तो देख लो कम से कम 15 साल से ये काम कर रहे हैं तो ये भी ये देखो वो भी तो काम कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं किसी से पैसे तो नहीं मांग रहे ऐसे ये गलत है या तो अपने अंदर सुधार कर लो या फिर हमारे साथ चलो। सही नहीं लगता चलो हमारे साथ चल रहे गलत छवि पड़ती है। हाँ ये नहीं किया करो लोगों पर गलत असर पड़ता है इसका। एक तो तुम दारू पिए हो आप ना अरे तुम दारू पिए हो यार पिए हैं बोल रहे हो मशीन निकाले तुम्हारा चेकअप कराए करवाओ। अच्छा देखो एक काम करो आप ये बोलो आज से हम सुधर जाएंगे बोलो सुधर जाओगे अब तो नहीं करोगे कभी काम करोगे कहीं हमारे साथ चल रहा है काम करोगे हमारे साथ नहीं चल रहा है कहीं और काम करोगे सही काम करेंगे। चलो ठीक है ऐसे पैसे नहीं मांगना किसी से ठीक है ठीक है। देखो गाइज ये चले गए गाइज मैंने वॉक कर लिया पार्क में और ये मेरे फ्रेंड्स थे इनके साथ काफी देर तक टाइम स्पेंड किया। ये है सोनू भाई ये है आनंद भाई तो ये मेरे गुड नाइट टेक केयर। चलो चलो तो गाइज चलो चलते हैं घर। साधना का व्रत था तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ आम और चिमरी है नहीं इनके पास खरबूजा।
कि मैं घर पे आ चुका हूँ और मैं लेकर आया था 3 किलो आम, तो ये रख दिए मैंने साधना के लिए लेकर आया था। सब लोग भी खा लेंगे, साधना भी खा लेगी, साधना का व्रत है। तो मम्मी कह रही कि आम का जूस बना के खाए पिया जाता है, कहो आम का जूस बना के पियो जाता ना। दीदी नहीं पी रही, सुबह। अच्छा तो मतलब आज पूरे 24 घंटे तक ना कुछ खाएगी ना पिएगी और ना भूलेगी, इतना कठिन व्रत। भाई साहब बहुत शक्तिशाली है कहो साधना है। गाइस साधना ने आम काट के इसमें डाल लिए, अब इसका साधना बनाएगी शेक और ये शेक पी सकती है, और वो भी साधना आज नहीं पिएगी कल पिएगी। ये तो बना के रख दे रही है फ्रिज में, क्यों सिर ला देना हाया नाम है। आज पियोगे कल पियोगे, हाँ तो कल पिएगी ये। और आज ना तो साधना ने दिन भर से कुछ भी भूली है और ना ही साधना कुछ भी साधना ने खाया पिया ना पानी पिया, निर्जला व्रत था ना। कल पिएगी, कल खाएगी जो भी खाएगी। जिंदगी में तुम पहली बार बहुत अच्छे लग रहे हो आज, मुझे सच बता रहा हूँ आज बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, बहुत अच्छे। अगर तुम जिंदगी और ऐसे ही बने रहो तो क्या चला जाएगा तुम्हारा, मैं सच बता रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत लकी समझूंगा इस दुनिया का इंसान, ऐसे ही रहो तुम हमेशा। नहीं पानी पियो, खाना खाओ, लेकिन बोलो मत है। ठीक है पक्का, देखते हैं कल। कल इतना मचलाना है बच्चा, इतना मचलाना है। आज आज की कसर पूरी कल करना है इनकी, देखिए भाई साहब। ये बन गया है मैंगो शेक, तो अब ये साधना कल पिएगी। पी लियो कल है, मैं नहीं चाहूँ कि तुम ऐसे भूखी प्यासी रहो, समझ गई। मैं जो चाहूँ कि तुम बोलो ना, लेकिन भूखी प्यासी ना रहो यार। इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो को भी खत्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि कौन कौन निर्जला व्रत था, एकादशी निर्जला व्रत कौन कौन था। हमारी साधना थी ना, तो साधना ने आज दिन भर से कुछ खाया है ना पानी पिया है ना ही कुछ बोली है। बहुत ही कठिन व्रत रखा है आज साधना ने, कल तोड़ेगी ये सुबह व्रत। चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, सभी को राधे राधे।